Hey everyone, this is CA Neha Gupta. I welcome you all on this channel. Stock market is time पे बहुत boom पे चल रहा है. हर कोई बहुत अच्छी returns earn कर रहा है stock market से. But वहीं अगर ऐसे time पर कोई company अपने stock को delist कर दे, अपने shares को delist कर दे, तो इस time पे जिस SSE ने जिस individual ने shares own किए हुए हैं, उसके लिए सबसे बड़ी दुख की बात होगी. सो ऐसा ही केस मेरे सामने आया कुछ दिन पहले, जहाँ पर मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला जब मैं उसकी रिटर्न फाइल कर रही थी कि ये जो शेयर्स है ये कंपनी ने डेलिस्ट कर दिए हैं, तो आप इसको लेट इट बी, आप छोड़ दीजिए इसको, आईडिया में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. सो आई वॉज लाइक कि क्यों शेयर्स को छोड़ना है. वी कैन डू टैक्स प्लानिंग ऑफ दैट थिंग. यूजली पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को डीलिस्ट कर देती है तो उस केस में भी टैक्स प्लानिंग हो सकती है. सो इस वीडियो को आज हम लोग दो पार्ट में कवर करने वाले हैं. पहला पार्ट कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को डीलिस्ट कर देती है तो आपको क्या अमाउंट मिलेगा, एंड सेकेंड पार्ट कि आप उस अमाउंट से क्या कर सकते हैं, कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला पार्ट, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब कंपनी और उसके शेयर्स डीलिस्ट होते हैं तो क्या अमाउंट आपको मिलता है. एक चीज मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं डीलिस्टिंग की बात कर रही हूँ, बायबैक की बात नहीं कर रही हूँ. बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, जब कंपनी खुद ही अपने शेयर्स को बायबैक कर लेती है अपने शेयर होल्डर से. उस केस में यूजुअली कंपनी ज्यादा रेट पे बायबैक करती है, यानी कि जो मार्केट प्राइस होगा उससे ज्यादा ही शेयर होल्डर को उस टाइम पे अमाउंट मिल रहा होता है, तो इसलिए वहां पे लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं. तो अब अगर हम डीलिस्टिंग की बात करें तो डीलिस्टिंग के केस में जो उस कंपनी की प्राइस शेयर का फेयर वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा. एक बहुत एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. आपने एक कंपनी के शेयर जो कि काफी टाइम से लिस्टेड थी, लेट्स से एक्सवाईजी कंपनी के शेयर्स आपने 2019 में बाय करे एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज. सो ईच शेयर एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज. सो जब आपने 1000 रुपीज पे बाय करा और लेट्स से वो कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, तो उसका फेयर वैल्यू जो उस दिन था जब कंपनी ने लिस्टिंग करी शेयर्स की, तो उसका फेयर वैल्यू लेट्स से 10 रुपीज था, तो आपको 10 रुपीज के हिसाब से ही पैसा मिलेगा. सो आपने लेट्स से 100 शेयर्स ओन किए हुए थे, तो 1000 एट ईच शेयर इनटू 100 आपकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1 लाख रुपीज. उसमें से जो आपको कंपनी दे रही है, क्योंकि वो क्या कर रही हो, 10 रुपीज पे आपसे 10 रुपीज दे रही है आपको डीलिस्ट करने के बाद, तो 10 रुपीज इंटू ईच शेयर. आपने 100 शेयर्स रखे हुए थे, 100 शेयर्स इंटू 10, तो जो आपको नेट अमाउंट मिलेगा वो ऑब्वियसली मिलेगा 1000 रुपीज. यहाँ पे आपको 99,000 रुपीज का लॉस हो गया इन अ केस जहाँ पे आपने सिर्फ 100 शेयर्स ओन किए हुए हैं. बट ऑब्वियसली लोग उससे भी कहीं ज्यादा शेयर्स को ओन करते हैं और उससे भी कहीं कहीं ज्यादा वैल्यू में लॉस होता है, क्योंकि ट्रेडिंग भी बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स पे होती है. तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 99,000 की बात करूँ जो आपको एक्चुअल में लॉस हुआ, तो अभी के लिए आई होप पहला पार्ट क्लियर होगा कि आपको एग्जैक्टली मिलेगा क्या, आपको कंपनी से क्या मिला, 1000 रुपीज. नाउ अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट पे अगर मैं बात करूं कि जब आपका यहाँ पे लॉस हुआ आपको, तो आप यहाँ पे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं. यूजुअली लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है कि अगर जो ये अमाउंट आपका 99,000 रुपीज है या आप लॉस बुक करते हैं, तो आप इसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. हमारे पास दो तरीके के लॉसेस हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. सो मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है. सो अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तो उस साल के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं. इट मीन्स लेट्स से आपको इस साल 99,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ और इसी साल आपको जो गेन था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो 2 लाख रुपये था, तो आपका जो नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो सिर्फ 1,01,000 रुपीज रह जाएगा. तो आपको टैक्स देना होगा 1,01,000 रुपीज पे देना होगा. और अगर आपको उस टाइम पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं था या कम अमाउंट का था कि पूरा अमाउंट सेटअप नहीं हो पाया, तो आप उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. बस इसका आपको ध्यान रखना हो कि आईटीए फाइल करते वक्त सही फॉर्म सेलेक्ट करें जिससे कि आपका जो लॉस है, और वहाँ पर वो डिस्क्लोज भी करें जिससे कि लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाए, तभी आप आगे अगले टाइम पे इसको क्लेम कर पाएंगे. वहीं अगर आपने बैक ऑफ द ईयर गलत फॉर्म भर दिए
या लॉस डिक्लेयर नहीं करा तो ऑब्वियसली आप आगे आने वाले सालों में उसको ना ही सेटअप कर सकते हैं ना ही फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीलिस्टिंग ऑफ द शेयर्स। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डीलिस्टिंग होते वक्त आपको क्या अमाउंट मिलेगा और डीलिस्टिंग होने के बाद आप उस अमाउंट को कैसे यूज कर सकते हैं टैक्स प्लानिंग में। सो स्टिल अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू रिप्लाई यू। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब फॉर माई चैनल, ऑल्सो शेयर विद एवरीवन हुम यू नो हुम यू थिंक दैट इट विल हेल्प देम एज वेल। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।